वैरायटी का होता है, कैसा होता है क्या जानी, नहीं पता आपको। चाय की फैक्ट्री जो है, अच्छा मतलब कोई भी मार्केट करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा ऊपर। गुड। और एक पर्सन। ओके थैंक यू। ओके बाय। चल नहीं पाओगे क्योंकि शॉर्टकट बहुत बारिश के कारण। वेलकम बैक करना था ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो यार अभी हम जा रहे हैं चाय के बागान देखने दार्जिलिंग में। तो अभी हम दार्जिलिंग में ही हैं, यहाँ पे हमारी बस कुछ देर के लिए रुकी है, थोड़ी देर में हम ऊपर जाएंगे चाय के बागान। पहले तो प्लान था जो पास में चाय के बागान है हम वो देख लेते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा जो पहाड़ पर चाय के बागान है वहाँ पर अलग अलग वैरायटी है और वहाँ पर कुछ लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। बस यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। ये देखिए चारों तरफ से बादल हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर रोक लिया फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो जितने भी चाय के बागान हैं वो सारे दार्जिलिंग में हैं। और सिलीगुड़ी से बच जाती है, सीधे बच जाती है, ऊपर तक बस नहीं जाती है। हमें यहाँ से करीब 20 किलोमीटर ऊपर होगा दार्जिलिंग में, वहाँ से हम जाएंगे छोटी जो ईको वगैरह होती है वो पकड़ के हम जाएंगे चाय के बागान पर। यहाँ से लगभग दूर है, हमारी बस जाने वाली, हम लोग जा रहे हैं। दादा ने पूरा सूट कर लिया है एकदम, ये देखो बहुत ही मज़ा आ रहा है। जब से आए दादा पूरा सूट करने पे लगे हुए एकदम, कहीं ध्यान नहीं है मैं बोलना थोड़े, ये नज़ारे ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसके भी थोड़े मज़े ले लो और साथ साथ सूट भी करो। सूट अगर सूट करोगे बिल्कुल ही तो ये देख नहीं पाओगे, साथ साथ ये भी देखो। मैं ये देखो कितना प्यारा, ये एकदम बादल ऊपर उड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा मौसम। अभी तो हम और आगे जाएंगे, हमें आगे जाके बस चेंज करना है, उसके बाद में पता नहीं क्या मिलेगा। अभी हम लोकेशन भी भूल रहे हैं, हमें एग्जिट कहाँ जाना है। जवान पे था लेकिन अभी अभी फिसल गया जवान से। ये बोतल रख दूँ, बहुत भारी है। तो हमने वहाँ से रूम चेकआउट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचाया ना, तो सामने से बुलेरो आ रही थी, तो मुझे लगा ऊपर ही आ जाएगी, तो एकदम मैं डर गया। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डरा रहा है बिल्कुल, और सामने से बिल्कुल रोड आ रहा है। जैसे ही आगे बड़ी बुलेरो, मुझे लगा इधर ही आने वाली है, लेकिन मेन रोड ये वाला है। ये किसी गांव को गया होगा शायद, मेरे को पता नहीं है, हो सकता है गांव को ही गया होगा जहाँ तक है। अभी हम लोग कौरसिंग में हैं, कौरसिंग से हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन, लेकिन हमको रास्ता नहीं पता था, तो यहाँ के एक भाई हैं, क्या नाम जो आपको ना कहना, अंकित भाई ने काफ़ी हेल्प की हमको छोड़ने आ रहे हैं। जहाँ से गाड़ी मिलती है हमें वहाँ अंकित भाई छोड़ने आए हैं। टी गार्डन 40 रुपीज़ पर है। 40 रुपीज़, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कितने जा रहे हैं अभी? अभी वो मैंने आप दूजे चार जाना अभी और एक पर्सन। हाँ ओके थैंक यू। ओके 40 रुपये करके ठीक है। देखो अरे ओके ब्रो, ओके मिलते हैं फिर कभी, हेल्प करने के लिए थैंक यू। ओके ब्रो, आपका ब्लॉग का चैनल का नाम क्या है? संतोष के ब्लॉग। थैंक यू। तो अभी हम लोग जा रहा है टी गार्डन। टी गार्डन यहाँ से दादा कितना पड़ेगा? पास में ही है, लेकिन पैदल नहीं जा सकते, 10 मिनट की रास्ता है। 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे टी गार्डन। कौर सिंह से 10 मिनट की रास्ता, आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल थोड़ा टफ पड़ेगा। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी बात अलग है, उनको आदत है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको दूर लगेगा। पैदल से थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा होता है ना, ये नीचे है। अच्छा ये नीचे है, नीचे भी दिक्कत होती है, नीचे टपकती चले जाओगे। अभी नीचे जाना है, अभी हमको नीचे जाना है, ऊपर से आइए अंदर के लिए। अच्छा अच्छा ये साइड से नीचे के लिए है, तो 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे टी गार्डन। आपको टी गार्डन दिखाते हैं। आप दादा कहाँ से हो? वहीं से, सिंगल से। अच्छा जहाँ हम जा रहे हैं, अच्छा आप वहीं से हो, जहाँ पे हम जाएंगे उस जगह का नाम क्या है? सिंगल। अभी हम लोग सिंगल टी गार्डन और उस जगह का भी नाम सिंगल ही है। दादा भी वहीं के रहने वाले हैं। ये दादा अभी चलता है ये जो ये ट्रेन, तो इसका टाइमिंग है कुछ या फिर सुबह चलता है शाम को? सुबह चलता है और शाम को रिटर्न। अच्छा सुबह जाएगा शाम को रिटर्न। ये कहाँ तक जाता है? ये दार्जिलिंग। ये पूरा ये आप पट्टी देख रहे हैं, इसमें जो आपने देखे होंगे फिल्मों में या टीवी में,
जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, दो तीन, तीन होते हैं सर, तीन होते हैं, तीन डिब्बे यहाँ से आपको जाएंगे, सीधे ले जाएंगे दार्जिलिंग। सुबह एक ट्रेन जाती है और शाम को वही ट्रेन वापस आ जाती है। अभी हम लोग स्पेशली ये चाय पत्ती देखने आए यहाँ पे। हाँ, यूपी, यूपी बरेली, बरेली सुना है आपने? वही से जो वहाँ के पहाड़ जैसे उत्तराखंड पास में है, वहाँ चाय नहीं होता है, यहाँ पर ही है। पहाड़ तो हाँ उत्तराखंड पास में है, उत्तराखंड लगभग वहाँ से 100 किलोमीटर के बाद पड़ जाता है, 100 के करीब। आप लोग कहाँ से? ये आप देख रहे हैं सामने जो गाड़ी जा रही है, जहाँ से भी आए थे, इसमें चाय के कट्टे हैं। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, अच्छा सिंगल, 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 सिंगल के टाउन है क्या? ऊपर फैक्ट्री है, ये चाय पत्ती फैक्ट्री है, नीचे से पत्तियाँ तोड़ के चाय की फैक्ट्री जो है। अच्छा, मतलब कोई भी मार्केट करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, ऊपर क्रॉसिंग में आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टी गार्डन। ये आपको मेरे जो पीछे का एरिया दिख रहा है, ये हर जगह टी गार्डन है, ये आप साइड से देख सकते हैं, ये सब चाय है। हम किस जगह पे अभी हैं मैं आपको ये बताऊंगा, हमें सिंगल में और यहाँ पे आना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको और ब्लॉग में बताया कि आपको यहाँ पर आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से जाएंगे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आपको यहाँ पे बस मिल जाएगी, बस आएगी कौरसिंग तक। कौरसिंग का किराया लगभग 50 रुपये वन पर्सन का है। वहाँ से सिंगल के लिए आप जो वैन होती है, मारुति वैन या छोटी गाड़ी होती है, वो यहाँ तक आती है, वो लेती है 40 रुपये, 40 रुपये में आपको छोड़ देगी ये सिंगल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये हर तरफ टी गार्डन है और ऊपर टी कंपनी भी है, कोई कंपनी का नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन ऊपर टी कंपनी भी है। यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है, ये सारी ये टी है, ये बहुत बड़ा गार्डन है, ये हर जगह गार्डन है। भैया ने तो मतलब चाय पत्ती बिल्कुल चूसे पड़े हैं, मतलब फ्री में जब से आए पत्ती चूसे पड़े हैं चाय का। जब टी गार्डन में आए हैं तो टी का स्वाद भी लेना जरूरी लेकिन है, लेकिन हमें थोड़ी सी अभी कड़वी लग रही है, हो सकता है फिल्टर नहीं हुई, कड़वी तो हल्की सी होती है। जितने भी यहाँ पे हर वैरायटी के यहाँ पे टी हैं, कई वैरायटी होती हैं और कुछ उसमें से ही निकलती हैं फिल्टर हो के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सा एग्जाम्पल दूँ, ये पूरा सिंगल विलेज है यहाँ पे, जो पीछे है बस्ती है पीछे। अभी हम ऊपर से आए, हम लोग उस जगह से आए, वो आपको दिख रहा है उस जगह से हम यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ पे अगर रुकना चाहें तो आप होम स्टे भी कर सकते हैं, होम स्टे का चार्ज मैंने भी पूछा था, हमको तो रुकना नहीं क्योंकि सिलीगुड़ी में हमारा रूम ऑलरेडी है, क्योंकि हम सिलीगुड़ी में हमारा सामान रखा हुआ है, हमको तो यहाँ पे रुकना नहीं है। लेकिन रुकने का चार्ज 1 पर्सन का पता है 1200 रुपये, उसमें खाना पीना सब कुछ होता है स्टे होम में, बिल्कुल आपको घर वाला फील आएगा वहाँ रुकने से। ये देखो ये सब टी गार्डन है, ये एक पत्ती है, सिंगल में दादा रहते हैं, दादा ने हमको बताया है। नीचे एक कॉफी भी है, कॉफी बारी उसको बोलते हैं, कॉफी बारी बोलते हैं उसको, कॉफी बारी बोलते हैं वो जगह में ज्यादा कॉफी मिलता है ना। अच्छा अच्छा, कॉफी जो कॉफी का बीज होता है वहाँ पे उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पे ये टी गार्डन है दादा ने बताया। ठीक है दादा, थैंक यू। क्या कितना यहाँ से पड़ेगा? यहाँ से आपको 4-5 किलोमीटर पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर तो पैदल तो टाइम जा सकते हैं आप लोग, जा सकते हैं आराम से जा सकते हैं, मतलब शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन आप लोग चल नहीं पाओगे, शॉर्टकट और देखा भी नहीं हम लोगों ने, आप लोग चल नहीं पाओगे क्योंकि शॉर्टकट बहुत बारिश के कारण है। तो कितना टाइम लगेगा लगभग? रोडी रोड जाओगे तो लगभग आपको लगेगा 45 मिनट्स तक लगेगा, 45 मिनट लगेगा जो कॉफ़ी का है। हाँ अच्छा, यहाँ से लोकल लोग रहते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, वो बता देंगे उसके बारे में, उनके बारे में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन। तो यार ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा टी गार्डन है, काफ़ी बड़ा टी गार्डन है और इसके नीचे कॉफ़ी गार्डन भी है, वहाँ वो थोड़ा दूरी पे है, अभी हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे हमको सोच के डर लग रहा है, वो 4-5 किलोमीटर बताया था, अब देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ढलान है, यहाँ पे आराम से आना पड़ेगा, एक रास्ता है कोई लोकल का, लेकिन वो शायद हम लोग चल नहीं पाएंगे, वो हम लोग चल नहीं पाएंगे। यहाँ पे चारों तरफ से फॉग आ गया है और यहाँ पे ठंडी भी बढ़ गई है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं और ठंडी बढ़ती जा रही है। माता जी, हमको ये बताइए थोड़ा, ये
पत्ती होता है पत्ती चाय पत्ती चाय पत्ती कौन कौन सी वैरायटी का होता है कैसा होता है क्या जाने नहीं पता आपको बिल्कुल भी नहीं पता ओके कोई बात नहीं फैक्ट्री काउंटर बनाता है फैक्ट्री बनाता है अच्छा घुसने नहीं देता है अभी हम यहाँ से कॉफ़ी बागान जाने वाले थे लेकिन यहाँ के जो लोकल है उनसे हमने पूछा तो बता रहे हैं कि जो कॉफ़ी बागान है बिल्कुल बंद हो चुका है अभी हम जाना स्टार्ट भी कर दिया हमने जाना यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था फिलहाल वो बंद हो चुका है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं हमारी फालतू में मेहनत हो जाती है क्योंकि यहाँ की पैदल की रास्ता है कोई यहाँ से सवारी नहीं जाती है जाती होगी लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं पैदल ही आपको जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ पहाड़ों की रास्ते पर बहुत ज़्यादा टफ होता है चलना जाते और वहाँ कॉफ़ी बागान नहीं होता इसलिए हमारी मेहनत बच गई तो अभी हमने आपको ये चाय बागान दिखा दिया कॉफ़ी बागान सॉरी यार नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पर अभी नहीं है तो यहाँ पे नीचे नर्सरी है अभी हम नर्सरी देखने जा रहे हैं हेलो कैसे हैं गुड यहाँ की रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है हमारे लिए दादा घूम के गेट से इधर से दादा नाम क्या था आपका दीपेंद्र ये अभी ये क्या काम चल रहा है मैटर का ये मट्टी फीलिंग कर रहा है अच्छा मतलब ये पत्थर से गिरता नहीं है बारिश वगैरह में कुछ जो प्लेन में होते हैं ना फूल पौधे वो पहाड़ों पे कुछ अलग होते हैं वाह यार कितना प्यारा व्यू है महंगा आता है ये महंगा आता है कितने का 1500 ये एक पेड़ 1500 का है ये देखो ये एक पेड़ 1500 रुपए का है सिंगल के ही है ये अपना घर है ये काम हो रहा है बहुत काम ये दादा क्या लगा हुआ ये कुछ लगाया ये खुद ही ब्लीजिंग ये किस काम जैसे होता है ना स्लिपरी ना हो अच्छा स्लिप ना हो रपके ना अच्छा ये जो दिख रहा है साफ करना पड़ेगा साफ करके अच्छा इसको साफ करना पड़ेगा ओके पैदा अभी घूमते घूमते हम लोग थक गए बिल्कुल पहाड़ की लाइफ यार बहुत ज़्यादा टफ है हम जब आते तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है खूबसूरत तो है ही खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा है लेकिन यार रैली में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं दादा पता नहीं थके नहीं थक गया दादा अरे बहुत थक गया बिल्कुल यार हालत ख़राब हो गई है अभी हम लोग वापस चलते हैं आपको हमने दिखा दिया चाय का बागान एक बार आपको फिर से दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारा वाह यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जितना प्यारा जो यहाँ का जो व्यू आ रहा है ना जो चाय बागान का उतने अच्छे यहाँ के लोग भी हैं रियली में यार सिंगल विलेज के लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं काफ़ी लोगों से अब मिले हैं अभी ऊपर के लिए चलते हैं क्योंकि जो हमारी लास्ट बस है वो 4 बजे है और 4 बजने ही वाले हैं यहाँ से जाना पड़ेगा गाड़ी लेके ऊपर वहाँ से हमको बस मिल जाएगा कोचिंग तक जाना पड़ेगा गाड़ी से उसके बाद में बस मिल जाएगा तो फाइनली गाड़ी मिल गई यार पैदल जा रहे थे पैदल आधा घंटा लगता है और थक गए हैं यहाँ से कोचिंग जाएगी कोचिंग से बस मिल जाएगी अब बस का टाइम तो निकल चुका है पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी दादा कोचिंग को लास्ट बस कितने बजे है सॉरी सुलीगढ़ी को बॉस तो आप कितना बजा टाइम कितना हुआ अभी टाइम 4 बजने वाला है 4 बजने वाला है 5 बजे तक आएगा 5 तक आ जाएगा हाँ ये न्यूज़ ना छोटा गाड़ी तो चलता रहता है बस 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 5 बजे तक मिल जाएगा 5 बजे तक बस मिल जाएगा
हमको लगा बस 4 बजे, लेकिन दादा बता रहे हैं 5 बजे तक बस मिल जाएगा। तो यार अभी थोड़ा आराम मिला है। स्कॉच की सब्जी है, स्कॉच की सब्जी मैंने आज देखा भी फर्स्ट टाइम था और खा भी फर्स्ट टाइम, मतलब सेम डे दोनों काम हो गए, आज ही देखा और आज ही खा रहा हूँ। खाना बहुत बढ़िया बना है दादा, ऐसे ही रहते हैं अंकल, ऐसे अंकल ऐसे ही रहते हैं, मेरे को गजब डर लगने लगा है। अभी हम कोचिंग में बस का वेट कर रहे हैं, कुछ ही देर में बस आ जाए, बस 5:30 बजे की। मैं आपको बता दूं हमारा प्लान है, या तो हम कुंची बिहार जाएंगे या फिर जायगांव जाएंगे, इन दोनों में से एक जगह जाएंगे, डिसाइड नहीं किया है, वो शाम को डिसाइड करेंगे। तो यार अभी हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, ब्लॉग को शेयर करो और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब आप नहीं करते हो देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपको ब्लॉग अच्छे अच्छे लाते रहें। तो यार बाय बाय, टेक केयर।